हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अ वे ऑफ सक्सेस। आज हम लोग चैप्टर फिजिक्स में ऑप्टिक्स देखेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, एसएससी रेलवे और जीएसएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है लाइट। लाइट क्या है इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद सेकेंड में देखेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन इंटरफेरेंस। जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है वो देखना है। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड अराउंड यस, जो लाइट के कारण हमारा वर्ल्ड कलरफुल दिखता है तो वो क्यों दिखता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद जानना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखते हैं हम लोग लाइट, लाइट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स जो है इसका दो पार्ट्स होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और सेकेंड होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को जानना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये दोनों जो पार्ट हैं वो रे ऑप्टिक्स में आता है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। और वेव ऑप्टिक्स में जो है हम लोग इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लाइट जो है उससे इंटरफेरेंस होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है या पोलराइजेशन होता है। तो ये जो टॉपिक है वो आता है वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स में जो आता है वो रे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट हैं। तो ऑप्टिक्स में ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिनका फिजिक्स है अगर वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं इसको, ये ईएम वेव होता है। लाइट ईएम वेव है जिसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट। और इसका नेचर क्या होता है, लाइट का नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, जिसको अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ होता है इसका नेचर। अगला पॉइंट है कि अगर मीडियम नहीं हो, मीडियम ना हो तो, मीडियम ना हो तो क्या हो सकता है, एयर होगा या वैक्यूम होगा, या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम होगा, एयर या वैक्यूम होगा तो इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मीडियम हो, अगर मीडियम हो तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वो हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू बोलते हैं या एन बोलते हैं। तो म्यू का टू हम लोग जानते हैं कि सी बाय वी होता है। तो वी जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं। तो वी इक्वल टू हो जाएगा
सी बाय एन लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं, जहां पे एन क्या है म्यू, क्या होता है अपवर्तनांक होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अपवर्तनांक ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसमें दोनों को हम लोग को याद रखना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, जब दो मीडियम हो तो लाइट कैसे बिहेव करेगा वो जानना है। तो दो मीडियम में मीडियम फर्स्ट ये है और मीडियम सेकेंड ये एक ब्लॉक है या तो मिरर बोल सकते हैं, एक मिरर है ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होगा, जब एक लाइट इंसिडेंट होगा इस पर, तो जब लाइट इंसिडेंट होगा तो होता क्या है कि ये नॉर्मल जो है, तो नॉर्मल की वजह से और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वजह से इस पर ये टकराएगा और रिफ्लेक्शन हो सकता है इसका, रिफ्लेक्टेड रे होगा या तो रिफ्रैक्टेड रे होगा, लाइट पास कर जाएगा या तो टकरा के लौट जाएगा। तो टकरा के लौटेगा किस कंडीशन में और या तो पास किस कंडीशन में कर जाएगा ये हम लोगों को जानना है। तो इसका तीन कंडीशन है टकरा के लौटने का या पास करने का। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है जिस पर इंसिडेंट रे पड़ रहा है वो अगर ओपेक हो, ओपेक ठीक है, अगर ये ओपेक हो, ये पूरी तरह से ओपेक हो और स्मूथ हो, स्मूथ होना चाहिए इसको, तो क्या होगा लाइट इस पर जब पड़ेगा तो टकरा के पूरी तरह से लाइट वापस हो जाएगा इस रिफ्लेक्टेड रे में। और अगर ये ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं है तो क्या करता है ये लाइट को, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है ठीक है। तो हम लोग पहले देखना है कि ओपेक अगर हो पूरी तरह से स्मूथ हो तो रिफ्लेक्टेड रे ये पूरी तरह से लौट जाएगा, कोई भी लाइट इस पर पास नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि अगर ये ब्लॉक ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, अगर ये ब्लॉक पारदर्शी है यानी कि कोई ग्लास है शीशा है तो इसका रे जो है वो पूरी तरह से इसको क्रॉस कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ये ट्रांसमिशन इसका हो जाएगा लाइट में, लाइट का। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर ये ब्लॉक जो है वो ऑयल पेपर कोई हो ठीक है, कोई ऑयल पेपर हो, ऑयल पेपर में क्या होता है कि रे पड़ने के बाद ये कुछ रे रिफ्रैक्टेड हो जाता है और कुछ रे जो होता है वो रिफ्रैक्टेड होता है यानी कि उसको ट्रांसमिट कर जाता है, पार कर जाता है। तो तीन कंडीशन हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक हो तो ये पूरी तरह से स्मूथ हो तो ये लाइट टकरा के लौट जाएगी, अगर ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो पारदर्शी हो तो पूरी के पूरे लाइट इसको पार कर जाएगी। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि अगर ये ऑयली पेपर कोई हो, ये ऑब्जेक्ट ऑयली पेपर हो तो कुछ लाइट जो है उसका रिफ्रैक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो लाइट का बिहेवियर जो है यही तीन होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, या तो वो उसको टकरा के पूरी तरह से लौट जाएगी, या तो ट्रांसपेरेंट हो तो वो पार कर जाएगी, और नहीं तो ऑयली पेपर हो तो वो कुछ लाइट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो यही बिहेवियर होता है लाइट का। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है, अगला टॉपिक है कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्या है कि ये सनलाइट से रिलेटेड है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे और इस पर सनलाइट अगर पड़ता है तो ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जब तक कि उस पर सनलाइट ना पड़े। तो सनलाइट जब पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वहाँ से टकरा के हमारी आँखों तक जो है ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए ये कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस इसको बोला गया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें
दिखाई पड़ रही है तो सनलाइट के कारण कलरफुल दिखाई दे रही है, कोई भी कलर जो भी ऑब्जेक्ट का वो कलर का दिखाई दे रही है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि सनलाइट, सनलाइट में जानते हैं क्या इसका, सनलाइट ठीक है, तो सनलाइट का कलर क्या होता है ये जानते हैं। सनलाइट का कलर बोल सकते हैं ये वाइट लाइट होता है, सन का कलर क्या है, सन का कलर है वाइट, और वाइट कलर होता है इसीलिए इसमें कितने कलर्स होते हैं, सेवन कलर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, सेवन कलर्स हैं या सेवन वेवलेंथ बोल सकते हैं, अलग अलग कलर का सेवन वेवलेंथ है ठीक है, सेवन वेवलेंथ है। तो सेवन कलर्स कौन कौन होते हैं इसका वेवलेंथ देखते हैं, कौन कौन से कलर्स हैं, ये कलर्स हैं। इसका याद रखने का एक ट्रिक है, वेव ग्योर से याद रख सकते हैं, VIBGYOR वेव ग्योर, वायलेट, इंडिगो ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, उसके बाद क्या होता है ठीक है, तो ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सात कलर्स होते हैं सनलाइट में, और सातों का कॉम्बिनेशन होता है सन, इसीलिए ये इसका कलर वाइट होता है। अब देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो वो वही कलर का दिखाई देगा जिस कलर को वो, देखिए कैसे है इसका फिगर, यहाँ से चला लाइट, तो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और हमें वो ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखाई दे रही है वो है क्या कि वो ऑब्जेक्ट जितने भी कलर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रही है, और जो दिखाई दे रही है जिस कलर की उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर दिखाई दे रही है तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर दिखाई देती है। अब जो है हम लोग दो पॉइंट और पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक इसलिए दिखाई देता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु सात रंगों को एब्जॉर्ब कर ले ठीक है, सात रंगों को एब्जॉर्ब कर ले तो वह ब्लैक दिखाई देगा। तो क्या होगा, ब्लैक दिखाई देगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सभी सात रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कलर जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट कब दिखाई देता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सात रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे, तो वह वाइट दिखाई देगा। ये दो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक और वाइट का ये कॉम्बिनेशन पूछता है, ब्लैक कब दिखाई देगा और वाइट कब दिखाई देगा। ये जो है कि TGT के लिए, ग्रुप डी के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला जो
आगे जो हम लोग पढ़ना है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।